Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Shafiq Rehman and I'm representing Bright Brother Solutions Private Limited. आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पिंडी घेब है, ये बिल्कुल अटक के पास है और यहाँ पे जो हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है उसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 10 किलोवाट है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो पैनल्स इंस्टॉल किए हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं वो 10 किलोवाट जिनको टाइलिंग रिबन के 460 वाट के पैनल्स इंस्टॉल किए हैं जिसमें क्वांटिटी 22 पैनल्स की है। और इन पैनल्स की ख़ास बात यह है कि टाइलिंग रिबन में है। टाइलिंग रिबन का एडवांटेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको जो जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल बस बार्स हैं उससे बेहतर मिलती है। इसी तरह अगर जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर कस्टमाइज जो है एच बीम का यूज़ किया है। और आपको पता है कि ब्राइट ब्रदर्स की ख़ास बात यह है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी बड़े पैनल्स हैं इवन 460 या 500 के वो कस्टमाइज स्ट्रक्चर पर लगाएं। उसकी रीज़न ये है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर में जो रेजिस्टेंस है या उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो हम GI के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सी या नॉर्मल जो है। इसी तरह अगर स्ट्रक्चर पर बात की जाए तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर टूवर्ड साउथ इंस्टॉल किया है, पैनल्स के फेसिंग रखी है और इसी तरह हर पैनल के दरमियान हमने जो है एक स्पेस दी है। सिमिलरली सेंटर में हमने सेपरेट स्पेस दिया है ताकि पैनल्स को वॉश करने में और दूसरा इसको मैनेज करने में आसानी हो। और इस के साथ साथ अगर जो हम यहाँ पे इन्वर्टर की बात की जाए तो इन्वर्टर यहाँ पे हमने गुडवी का सेकंड जनरेशन का यूज़ किया है। सेकंड जनरेशन का जैसे मैं आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इट इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट इन्वर्टर राइट नाउ। गुडवी हो गया, सनग्रो हो गया, हवावे हो गए और ग्रो वॉट, ये अच्छे इन्वर्टर्स में तसव्वुर किए जाते हैं। और ये सेकेंड जनरेशन का फ़ायदा ये भी है कि ये PV ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है। 15 किलोवाट इस पर आप पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और इन्वर्टर भी इंस्टॉल किया है जो कि हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो कि टेस्ला का है और इसका जो मॉडल है वो इन्फिनी V2 है। PV6000 रिसेंटली मॉडल आया है जिसमें 27 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर के साथ है, यानी कि इसमें बड़े पैनल्स भी आप पैरेलल में लगा सकते हैं। इससे प्रीवियस जो इन्वर्टर थे अगर जो सिंपल इन्फिनी V2 की बात करें तो उसका चार्ज कंट्रोलर की जो एम्स की कैपेसिटी थी यानी एम्पेयर की वो 18 एम्पेयर थी, जिसकी वजह से हमें जो बड़े पैनल्स हैं वो हम पैरेलल में नहीं लगा सकते। इसी वजह से यहाँ पे हमने जो 12 पैनल्स हैं यानी कि 460 के जो कि ऑलमोस्ट 5500 बनते हैं वो हमने हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किए और जो बाकी 10 पैनल्स हैं वो हमने गुडवी इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल किए हैं। कस्टमर को फ़ायदा ये है कि नेट मीटरिंग से पहले ही कस्टमर जो है यहाँ पे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जो है वो जनरेशन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपना सोलर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंटली जब हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है तो जिसकी पावर थी जो हाइब्रिड इन्वर्टर की है वो आउट ऑफ 5500 में से 4.8 किलोवाट आर थी, विच इज़ एक्सीलेंट। सिमिलरली अगर जो हम ऑन ग्रिड की इन्वर्टर की बात करें जो गुडवी का हमने कमीशन किया तो उसमें 3.8 किलोवाट आ रही थी, विच इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट। तो ऑलमोस्ट अगर जो परफॉर्मेंस की बात करें तो 83% हमें यहाँ पे पीक आवर्स में मिली है जो कि विच इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री। अब आ जाएँ इसके बाकी अर्थिंग पे, तो लाइटिंग एस्टर यहाँ पे हमने सेपरेटली इंस्टॉल किया, इसी तरह DC अर्थिंग भी किया है और इसी तरह AC अर्थिंग भी हमने यहाँ पर की है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आ जाएँ लोग हमसे कहते हैं कॉस्ट की, कि आप अपनी वीडियोस में कॉस्ट की भी बताएं, तो अब हमारी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ है वो सारी आपसे ओपनली डिस्कस करें। यहाँ पे जो कॉस्ट है बिकॉज यहाँ पे दो इन्वर्टर्स ऐड किए गए उसके साथ से जो स्ट्रक्चर था कस्टमाइज था, तो ऑलमोस्ट जो इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट है वो 10,60,000 है जिसमें सारी चीज़ें बाय द वे शामिल हैं। दो ये आउट ऑफ सिटी था बट हमारी कोशिश ये होती है कि आपको एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में एक अच्छे से अच्छा सोल्यूशन दे। इन्वर्टर्स आपने देखा कि कभी भी हमने XYZ ब्रांड नहीं यूज़ किया, क्यों? क्योंकि अगर जो हम ऐसे वो लो बजट वाले कॉस्ट वाले इन्वर्टर्स या पैनल इस्तेमाल करेंगे उससे हमें ही आए दिन प्रॉब्लम होगी जिसमें आफ्टर सेल सर्विस वगैरह के इशू होते हैं। अगर जो आप लोग चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा सिस्टम मिले जैसा यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया 10 किलोवाट विद 5 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ, तो आप हमसे नीचे गए दिए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। और अगर जो आपका कोई भी टेक्निकल सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जजाकल्ला, थैंक यू।